वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल सा मेकअप लुक पर रक्षाबंधन, क्योंकि राखी आ रही है तो मैंने सोचा एक सिंपल सा मेकअप लुक आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, जो कि आपको भी बहुत हेल्प होगी। अगर आप चाहो तो वो रक्षाबंधन के लिए आप भी वो वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, ये सोच के मैं आज ये मेकअप लुक बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड बहुत सारा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो पूरी मेरी मेकअप रहेगी ना, मैं सोच रही हूँ आज मैं ब्रशेस में ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रशेस हैं लेकिन मैं कभी ट्राई नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ वो जो ब्यूटी ब्लेंडर आता है ना उसमें ही सब कुछ फिनिश कर देती हूँ, लेकिन आज मैं ये इसमें मैं ट्राई करूँगी। तो आज थोड़ा सा मैं अलग कुछ ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं क्या। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी प्राइमर। मेकअप करने से पहले ना प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार क्या किया है ना, दो तीन बार मैंने प्राइमर नहीं लगाया था बट मैंने मेकअप कुछ लगा लिया था तो मेरा फेस जो है ना बहुत ही हिलेरियस लुक दे रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले प्राइमर लगा, उसके बाद जो भी आपको लगाना है लगा लो, बट प्राइमर को मत भूलना लगाने के लिए। सन फिटमी का लिक्विड फाउंडेशन है और मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी, क्योंकि हमें रक्षाबंधन के लिए दिन भर भी कहीं पे रहना पड़ता है ना 12-13 घंटा, तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा मेकअप लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी भी है बाहर बहुत, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसलिए मैं सबको माइंड में रख के आज ये मेकअप करने वाली। कम ब्रशेस यूज करती हूँ तो मुझे अच्छे से पता नहीं है ब्रशेस में कैसे ब्लेंड करते हैं। व्हाइट इंटेंस लिक्विड कंसीलर ये वाला, और ये मैं बहुत यूज करती हूँ, मेरे पास और ही कंसीलर है बट मैं आज ये यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत दिन हो गया है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। और कंसीलर को ज़्यादातर आप अपर आई और अंडर आई ब्लैक, और जहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, मेरा थोड़ा सा यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, थोड़ा सा नोज में भी मैं लगा लूँगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी कंपैक्ट पाउडर, और वो भी ये भी फिट मी का ही है, तो मैं आज ब्रशेस यूज कर रही हूँ। ब्रशेस से भी बहुत इजी हो रहा है ब्लेंड करना, है ना। मैंने ये ब्रश जो है ना, मैंने ये बहुत दिन हो गया है मैंने लिया था, सोलिमो का है ये एंड अमेजन से मैंने लिया था लाइक कोरोना से पहले आई थिंक, बट मैंने यूज बहुत, मैं बहुत यूज कम कर। अभी मैं जस्ट आईब्रो फिल करूँगी, और आईब्रो मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है, लेकिन मुझे मैं जस्ट ब्लैक ही कर लेती हूँ। आते हैं हम आई शैडो के ऊपर, और ये रही मेरी नायका की, बहुत पुरानी हो गई, इसको जब ये जब तक ख़त्म नहीं होता मैं नया नहीं लूँगी। तो चलो, तो अभी पहले ना मैं इसमें से थोड़ा सा ये जो लाइट कलर है ना, मैं पहले ये लगाऊंगी, और सॉरी, और ये मैंने लिया है आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश, कुछ इस तरह से ट्रायंगल शेप में है ये। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क कलर लूँगी, और ये रही ये वाला कलर, और इसके लिए मैंने ये ब्रश जो यूज कर रही हूँ फ्लैट एंजल क्रीज ब्रश ये है, और ये भी थोड़ा मतलब ट्रायंगल शेप में है। तो आज मैंने बहुत अच्छे से आई शैडो लगा लिए आई थिंक, और अभी मैं क्या करूँगी, आज थोड़ा सा अलग बनाऊँगी। मैं आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा ऐसे शेप डालूंगी, लाइक वी शेप, जिसे आपने देखा होगा बहुत ही मेकअप ब्लॉग में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है फेड पॉइंटी डम ब्रश ये, और ये थोड़ा सा पिंक कलर दिख रहा है ना, तो मैं उसी पिंक कलर का कुछ एक लूँगी कॉर्नर में लगाने के लिए, और ये मुझे थोड़ा सा पिंक दिख रहा है ये कलर, तो देखते हैं क्या कैसा लग रहा है ये लगाने के बाद। तो पहले मैं ये थोड़ा सा ले लूँ,
और कुछ नहीं लगाऊंगी। फाइनली मैं थोड़ा सा ये ग्लिटर लगा लूंगी, गोल्डन कलर का ये जो ग्लिटर है, तो ग्लिटर लगा लूंगी मैं इस ब्रश से ये तो ब्लेंडिंग ब्रश से मैं ब्लेंडिंग कर लूंगी। आई थिंक मेरी आई शेडो बहुत अच्छे से हो गया है और कुछ करना नहीं है, ऐसे ही छोड़ना है मुझे। और इसके बाद मैं थोड़ा सा आईलाइनर लगा लूँगी। ओके, गुड जॉब, मैंने बहुत अच्छे से ये वाला लगा लिया है। और इस ये साइड बाकी है अभी। एंड ये जो आईलाइनर है बहुत अच्छा लगता है, मतलब लाइक स्केच पेन जो होता है ना वही तरीके से होता है। और ये इन कलर का है, मैक्सी ब्लैक, थोड़ा सा साइनी साइनी लगता है। और बट जो भी हो, मुझे बहुत बुरे तरीके से लगाना आता है आईलाइनर। आईलाइनर मैंने लगा लिया है, बट आई थिंक थोड़ा सा मोटा हो गया लाइनर, मतलब लाइन जो है। बट देखते हैं लास्ट में हम कैसे दिख रहे हैं। तभी मैं लगा लूँगी काजल। काजल के बिना मेरा मेकअप अधूरा लगता है, क्योंकि मुझे काजल बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइनर से ज़्यादा काजल मुझे बहुत पसंद है। तो काजल को ना हमेशा मैं कर्नर के साथ जोड़ने के लिए ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कर्नर के साथ ये कर्नर और ये कर्नर अगर काजल से जुड़ जाता है तो आईज थोड़ा लुक अलग लुक देता है। इसलिए मैं कर्नर को जॉइंट करने के लिए बहुत ट्राई करती हूँ। आई थिंक मेरा काजल हो गया है। अभी मैं मस्कारा लगा लूँगी। मस्कारा अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में आ रहा है, मैंने देखा है बहुत। बट मेरा जो पुराना मस्कारा है मैं वही लगाऊंगी। और मस्कारा मैं अपर आई में ही लगा सकती हूँ, लोअर आई में मैं नहीं लगा पाती हूँ। पर मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ सब कुछ सीखने के लिए, क्योंकि ट्राई तो करना चाहिए ना नया चीज़ सीखने के लिए। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैं कभी कभी मेकअप करती हूँ ना, तो इसलिए ना मेरा टच जो है चला जाता है, मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बट अगर मैं डेली या फिर हफ्ते में अगर एक मेकअप ट्यूटोरियल में बनाऊँगी तो मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीख पाऊँगी। तो अगर आपको मेरी मेकअप ब्लॉग लाइक पसंद आ रहा है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं वीक में एक मेकअप ट्यूटोरियल ब्लॉग जो है मैं डालती जाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ मेरा जो मस्कारा है वो भी हो गया है। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं लिपस्टिक लगा लूँगी सबसे पहले। तो ये ना मेरे पास एक है इन कलर का 2-in-1 मॉइस्चराइजर एंड कलर लिपस्टिक यहाँ पे। तो ये ना बोथ लिपस्टिक एंड मैं ब्लश से ब्लश भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पिंक है, तो मैंने सोचा ये कलर बहुत मैच है और मैं आज डबल लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा था कहीं पे एक मेकअप ब्लॉग में कि वो ना दो दो लिपस्टिक यूज़ करते थे। तो मैंने सोचा आज एक बार मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आज कुछ डिफरेंट करने, मेरे पास एक लैक्मे का लिपस्टिक है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये लिपस्टिक में मैं मैक्सिमम टाइम में ये लिपस्टिक ही यूज़ करती हूँ। सो अभी मैं ये लिपस्टिक को ब्लॉस में भी यूज कर लूंगी। ब्लॉस लगाने से पहले आपको बड़ा सा स्माइल करना पड़ेगा लाइक दिस, और आपको ये जस्ट चीक में ही ब्लॉस लगाना है और थोड़ा सा नोजी में। ओके, अभी हम ब्लेंड कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो मैंने ब्लॉस भी लगा लिया है, बहुत ही कम मैंने यूज किया है। और बस मैं आपको अभी फाइनल लुक दिखाती हूँ, थोड़ा सा बिंदी लगा। सो दैट्स इट गाइज, आज का लुक बस इतना ही है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अगर आपको अगर मेरी ये लुक पसंद आई है तो आप
प्लीज़ जो रक्षाबंधन आ रही है ना, आप उस दिन में ये लुक ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। एंड मैंने आज कुछ डिफरेंट भी किया है, आई थिंक आपको ये वाला लुक आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपको भी इससे कुछ मेरे ब्लॉग से कुछ हेल्प मिलेगी। तो कमेंट में बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। एंड एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। और ये ब्लॉग को मैं ही पेंट करती हूँ। जल्दी मिलती हूँ और एक ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।